शिफ्ट इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करव हम ऑलरेडी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की फॉर्मेशन उसकी एजम्पन्स और प्रिंसिपल्स के ऊपर बात कर चुके हैं और अब हमें यह देखना है कि इसमें जो शिफ्ट हैं वो कैसे मुमकिन होते हैं तो पहले तो हमें यह देखना है कि वट आर द रीज़ंस जिनकी वजह से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर शिफ्ट कर सकता है तो अगर हम देखें तो पहली चीज़ जो हमारे सामने नज़र आती है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर it can shift due to the change in resources either increase in resources either decrease in resources it will lead to the change in production possibility frontier at the same time the technological change it gives rise to the production possibility frontier in other words technology is the main thing that shapes the production function so when the production function of an economy can change it can lead to the change in production possibility frontier so shifting is possible and at the same time due to technology we can have labor intensive technique we can have labor saving technique at the same time like capital saving technique so they can give rise to the shift in production possibility model and not only the resources and technology sometimes द रेगोलेशंस द रूल्स और द इंस्टीट्यूशंस दे प्रोवाइड सर्टन दोज टाइप ऑफ द फैक्टर्स दैट मे लीड टू द शिफ्ट इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर अगर हम इसमें एग्ज़ैम्पल लेना चाहें तो कई दफ़ा गवर्नमेंट के लेवल पे कुछ पॉलिस ऐसी आ जाती हैं जो पैदावार के लिए बढ़ावे का बास हो सकती हैं जैसे हम कहें कि हमारी एक्सपोर्ट का ऊपर मौजूद जो कोई टैक्स या रूल्स हैं उनको रिलैक्स कर दिया जाए उसी तरीके से हो सकता है इम्पोर्ट के ऊपर जो टैरफ है उसको कम कर दिया जाए और अगर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर दोनों मौजूद टैक्स को बढ़ा दिया जाएगा तो वो हमारे ताजरों के लिए मुश्किल का बास हो सकती है तो इसी तरीके से कुछ मॉनेटरी पॉलिसीज़ का भी हम देखें तो कई दफ़ा क्रेडिट की फैसिलिटी पैदावार के लिए आसान कर दी जाती है जिसको हम आसान शरात कर्ज़ों की शक्ल में देखते हैं तो बहुत सारी गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस की जो पॉलिसीज़ हैं कई दफ़ा वो हमारी शिफ्टिंग ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का बायस बनती हैं हम अगर इसमें अब देखें तो चूंकि वो लेबर जिसने इस्तेमाल होना है हमारे रिसोर्स की शक्ल में तो अगर इकॉनमी में मौजूद जराए में एजुकेशन लेवल बढ़ जाए उनके स्किल का लेवल बढ़ जाए तो हम देखेंगे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर मूव कर सकता है अगर मैं यहाँ बढ़ने की बजाय ये कहूँ कि किसी भी शक्ल में अगर इसमें तब्दीली आएगी तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर में शिफ्टिंग पॉसिबल है इसके साथ जब हम गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की बात कर रहे हैं तो हमें कई दफ़ा ग्लोबल लेवल पे मौजूद इंस्टीट्यूशंस को भी देखना होगा तो बहुत दफ़ा हमारे पास ग्लोबल या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मौजूद जो पॉलिसीज़ हैं वो भी मददगार भी हो सकती हैं और दूसरी तरफ अगर हम कहें तो वो पैदावार या प्रोडक्शन को कम करने का बायस भी हो सकती हैं जिसकी अगर एक एग्ज़ाम्पल हम देखें प्रीवियसली तो अंडर द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबलाइजेशन के फ्रो के लिए बहुत से कवानीन बनाए गए तो अंडर दैट रूल्स एंड रेगुलेशन हमारी इंटरनेशनल ट्रेड को फ़रोग देने के लिए बहुत सारे जो असूल वज़ा किए गए दे गेव द पेस टू इनक्रीज़ इन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ और लेकिन बहुत से डिवेलपिंग कंट्रीज़ में अगर हम देखें तो इन ही रूल्स या रेगुलेशन की वजह से जो इंटरनेशनल बहुत बड़ी बड़ी एजेंसीज वहाँ आ गई तो उन्होंने लोकल प्रोडक्शन को कम भी किया तो इंटरनेशनल लेवल पर मौजूद रूल्स भी कई दफ़ा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर्स की शिफ्टिंग का बास बनते अब अगर हम देखें तो ये जो शिफ्टिंग है ये किस शक्ल में हो सकती है तो अगर हम हमारे पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ़्रंटियर हमारे पास यहाँ मौजूद है और अगर हम उसके तहत देखें तो इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ़्रंटियर का ये एक बेसिक लेवल हमने शो किया है और ये उसका हमने एक नेक्स्ट लेवल शो किया है और ये दोनों को अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो ये हमें शो करते हैं कि यहाँ से जो यहाँ तक की मूवमेंट है ये इनक्रीज की शक्ल में हमारे पास नज़र आ रही है लेकिन सिर्फ इंक्रीज ही नहीं हमारे पास ओवरऑल चार किस्म की शिफ्टिंग होती है जिसमें अगर हम पहले कहें जिसमें हम इनक्रीज़ को शो कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड आउटवर्ड शिफ्टिंग जिसमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर अपनी एग्जिस्टिंग प्लेस की बजाय राइट वर्ड को मूव कर जाता है और इस राइट वर्ड मूवमेंट के पीछे उसके पास जो वजूहत हैं उनमें इंक्रीज इन द प्रोडक्शन फैक्टर्स हमारे पास यानी लेबर कैपिटल जो मौजूद है उसकी तादाद का ज़्यादा हो जाना नंबर टू अवेलेबल टेक्नोलॉजी का प्रोडक्टिविटी लेवल के लिए एफिशिएंट हो जाना हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी का अवेलेबल हो जाना और पॉजिटिव लेवल पे इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज का हो जाना और इसी तरीके से अगर हम कहें कि किसी लेवल पे जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है वो अपने लेफ़्ट को मूव कर जाए या जिसको दूसरी तरफ से हम कॉन्ट्रेक्शन भी कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कर जाए जिसमें वो बजाए कि वो ज़्यादा पैदावार को शो करे वो कम पैदावार पे चला जाए तो वो पॉसिबल है और उसके पीछे वजूहत में अगर हम देखें तो हमारे वही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो ऑलरेडी अवेलेबल थे अगर उनमें से उनकी अमाउंट उनकी तादाद कम हो जाए उनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी कम हो जाए या गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन या ग्लोबल लेवल के ऊपर कुछ पॉलिसीज़ या रूल्स ऐसे बन जाएं जो कि मुआवन ना रहें पैदावार के लिए तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है इन तमाम के साथ अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे सामने नज़र आता है दैट इज़ कॉल्ड कैटेस्ट्राफिक अफेक्ट्स या नेचुरल डिज़ास्टर्स तो नेचुरल डिज़ास्टर्स जिस तरह पाकिस्तान में हमने रिसेंटली फ़ेस किया बहुत बड़े शक्ल में सैलाब या जल्जिला ऐसा हो ये दो कैटेस्ट्राफी हैं या नैचुरल डिज़ास्टर्स हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन वो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बहुत हद तक तबाह कर जाते हैं तो अवेलेबल रिसोर्स में खेतों की पैदावार ख़त्म हो गई इंसानी जानों का नुकसान हो गया और फैक्ट्रीज़ का, का काम सारा रुक गया उनमें तबाही हुई सड़कों का तबाह हो जाना तमाम हमारे जरा आमदोरफ़्त का मवासिल का तबाह होना तो ये वो तमाम सेटअप्स हैं जिसके तहत हम कहें कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होके कम पैदावार पर आ जाएगा और इसके अलावा एक हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जिसमें हम कहें कि हमारे पास जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं वो प्रोपोर्शनेटली अगर इंक्रीज हो मींस जिस लेवल से गुड एक्स प्रोडक्शन का फैक्टर बढ़ रहा है उसी प्रोडक्शन के लेवल से हमारा गुड वाई के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो हों हमारी टेक्नोलॉजी में चेंज भी इक्वल लेवल पे आ रही हो प्रोपोर्शनेटली आ रही हो तो जो शिफ्टिंग है आइदर आउटवर्ड हो रही हो और आइदर इनवर्ड हो रही हो तो वो पैरेलल शिफ्टिंग कहलाएगी और वो लेवल कहलाएगी और इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो एक दफा अगर हम देखें हमारे कई दफा रिसोर्सेज में जो चेंज है हो सकता है कि पैदावार लागत के तहत हमारी लैंड या लेबर में इनक्रीज़ ज़्यादा आ जाए लेकिन टेक्नोलॉजी में कम हो जाए या कई दफ़ा टेक्नोलॉजी में इंक्रीज़ ज़्यादा आ जाए और दूसरी तरफ लेबर में कम हो जाए या इंस्टीट्यूशनल रूल्स हिंडर करें तो चेंज जो है वो डिसप्रोपोर्शनेट होगी तो एक दफ़ा वो राइट पे जाएगी फिर मूव करके लेफ्ट पे जाएगी फिर जाएगी तो, तो दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ रोटेशनल शिफ्टिंग तो ये हम शिफ्टिंग के जो चार सेटअप्स लेते हैं इसकी अगर हम एक एग्जाम्पल लेना चाहें तो वो इस फॉर्म में हम ले सकते हैं कि यही वाली जो चारों शिफ्टिंग्स हैं अगर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जिसमें ये कंकेव शेप में है तो ये इस शेप से अगर इनवर्ड मूव होके कम होके आएगा तो दैट विल बी कॉल्ड इनवर्ड शिफ्टिंग लेकिन इसी फॉर्म में अगर ये कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की शक्ल में होगा तो भी इसकी शिफ्टिंग इनवर्ड होगी लेकिन वो स्ट्रेट लाइंस की शिफ्टिंग होगी और इक्वल लेवल पे होगी तो ये पैरेलल कहलाएगी लेकिन अगर ये ही फॉर्म की जो है इस शक्ल में हमारे पास मौजूद हो जब ये उस शक्ल में होगा जब हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को नेगेटिव की शकल में लेंगे तो इस फॉर्म में भी अगर ये इधर से इस साइड पे मूव होगा तो हम इसको इनवर्ड शिफ्टिंग कहेंगे और इसकी बजाय अगर पहला पॉइंट ये हो और इससे इधर को मूव होगा तो दैट विल बी द आउटवर्ड शिफ्टिंग